हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपके भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 साल का, तो आप एक्सपीरियंस वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने आईटीआई किया किसी भी ट्रेड के अंदर, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एमईएमटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपका सैलरी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिलेगा, सुपरवाइजर का पोजीशन देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, साइट इंजीनियर का भी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा, सेफ्टी का भी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर। साथ ही साथ आपको असिस्टेंट इंजीनियर का भी पोजीशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, इवन आपका यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगा और आपका यहाँ पे सैलरी क्या रहेगा, सीटीसी क्या रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। जो जो स्टेप्स वीडियो के अंदर बता रहा हूँ उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक लाइक तो बनता है। लाइक का जो टारगेट रहेगा 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बताना कि कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक किया, कौन से ट्रेड के अंदर आईटी किया और आपका पास आउट ईयर कौन सा। इससे क्या होगा कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी ब्रांच और ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिलेगी और वहां पर आप लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। यहां पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए मैंने आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बेसिकली ये वेबसाइट है IRB नाही की तरफ से। IRB एक कंपनी है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ये काम करता है और इन्हीं के साथ यहाँ पे ये वर्क करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा, आपको इसी पे करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा और आपको जाना है यहाँ पे इनके कैरियर वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, तो आपको इस कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे करना है स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा करंट ओपनिंग्स का। तो यहाँ पे आपको 3 डिपार्टमेंट दिखेंगे। पहला डिपार्टमेंट आपको दिखेगा कंस्ट्रक्शन एंड ऑनडम का, दूसरा डिपार्टमेंट आपको देखने के दिखेगा टोल का, तीसरा आपको डिपार्टमेंट दिखेगा कॉर्पोरेट और अदर का। तो आपको मैं तीनों डिपार्टमेंट में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टोल के अंदर कि आपको टोल के अंदर कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे आप टोल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, तो करंट ओपनिंग जितनी भी है टोल के अंदर वो सारी की सारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, इन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें इन्होंने बता रखा है आपका पोजीशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, साथ ही साथ एज लिमिट क्या रहेगा और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे वन बाय वन वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी दे रखा है, पहला दे रखा है शिफ्ट इंचार्ज का, जिसके अंदर 3 से 5 साल तक एक्सपीरियंस मांगा है, एज लिमिट 30 से 40 साल मांगी, हाइट और वेट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं जितनी वैकेंसी के बारे में जो फ्रेशर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा फ्रेशर के लिए,
टोल सुपरवाइजर का, जिसके अंदर अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, लाइक बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। और यहाँ पे 0 से लेकर 1 साल तक एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। 22 साल से लेकर 35 ईयर तक एज लिमिट दे रखा है। हाइट आपका होना चाहिए 5 फुट 4 इंच, साथ ही साथ आपका वेट 50 kg होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, टोल एडमिनिस्ट्रेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो मांगा है ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, बीबीटेक वालों के पास कंप्यूटर का होता ही है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट ही लगता है कंप्यूटर का। साथ ही साथ यहाँ पे 22 साल से लेकर 35 ईयर तक एज लिमिट दे रखी है, और हाइट और वेट आपका सेम दे रखा है। साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो आपका दे रखा है टोल ऑडिटर का वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने 12th कर रखा है, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, अब अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रहेगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काउंट होगा, मतलब कि अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा। आपका जो एज लिमिट रहेगा 20 साल से लेकर 25 साल तक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका हाइट रहेगा 5 फीट 4 इंच, वेट रहेगा आपका 50 kg, इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा टोल ऑपरेशन के अंदर वैकेंसी निकाला गया है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया या फिर आप पास आउट होने वाले हैं, 2023 आपका बैच है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 20 साल से लेकर 25 साल तक आपका एज लिमिट दिया गया है। साथ ही साथ आपका हाइट होना चाहिए 5 फीट 4 इंच, और जो आपका वेट होना चाहिए 50 kg। इन सारी पोजीशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, ऊपर अप्लाई वाला बटन है, आपको इस पर कर देना है क्लिक, डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन ना ले। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, करंट ओपनिंग देखने को मिलेगी कंस्ट्रक्शन और ऑनडम के अंदर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने पूरा यहाँ पे एक चार्ट मेंशन कर रखा है, जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका कौन कौन सा पोजीशन रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ बात की जाए जो पोजीशन के बारे में, तो आपको बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। HR का पोजीशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है। लेकिन जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ्रेशर का भी ऑप्शन आता है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पोजीशन देखने को मिलेगी, असिस्टेंट इंजीनियर का बीबीटेक मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। सीनियर मैनेजर का पोजीशन है बीबीटेक, अगर आपने मैकेनिकल में कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका वे ब्रिज सुपरवाइजर का पोजीशन है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 4 साल तक एक्सपीरियंस है, लेकिन फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पोजीशन के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं अगर आपने बीबीटेक किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल डिपार्टमेंट के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 से लेकर 3 साल तक एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं मांगा गया, तो उस चीज़ की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे सर्वेयर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, अगर आपने डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सर्वेयर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, प्लानिंग इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा बीबीटेक अगर आपने किया या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया सिविल के अंदर, आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, इसमें आप देख सकते हैं सीनियर इंजीनियर हाईवे के अंदर देखने को मिल जाएगा, सीनियर इंजीनियर स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल जाएगा, सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, सीनियर सर्वेयर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आईटी वाले भी एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई कि आपको अप्लाई कैसे करना है इन सारी पोजीशन के लिए। एमबीए का भी वैकेंसी है, तो अगर आपको कोई भाई बहन है उनको वीडियो सजेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर एक अप्लाई वाला बटन है, तो आपको इसी पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो आ रहा है कंस्ट्रक्शन और ऑनडम का, मतलब कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वैकेंसी है। जैसे आप टोल पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई फॉर जॉब टोल का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएगा हाईवे का, स्ट्रक्चर का, क्वालिटी एनालाइज्ड का, क्वालिटी कंट्रोल का, बिलिंग एंड प्लानिंग के अंदर आ जाएगा, सर्वे के अंदर आ जाएगा। तो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सुपरवाइजर का आ जाएगा, अकाउंटेंट का आ जाएगा, एचआर का आ जाएगा, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का आ जाएगा, प्लांट का आ जाएगा, और भी बहुत सारी वैकेंसी अदर का आ जाएगा। तो आप जिस भी सिलेक्ट करना चाहें, लाइक मैं सुपरवाइजर पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सुपरवाइजर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देन फिर आएगा यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल का ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, आपके पिताजी का क्या नाम है वो डालना है,
आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ पे आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, सिंगल है, मैरिड है, सेपरेट है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जेंडर आ जाएगा मेल फीमेल का। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपके आ जाएंगे मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, आपके पास पैन कार्ड है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड आ जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा। स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सी है, जिप कोड कौन सा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, मतलब कि आपका पिन कोड कौन सा है, सीधी सी बात है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल एक्सपीरियंस आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फ्रेशर का, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फ्रेशर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे दे रखा 10th का, 12th का, डिप्लोमा का, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो डिग्री आ जाएगा, BBTech आ जाएगा। तो आपने जो जो कर रखा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपने 10th कर रखा है और IT कर रखा है तो यहाँ पे 10th का आपने डाल दिया, उसके बाद नीचे अदर वाले ऑप्शन के अंदर IT डाल दिया। अगर आपने 10th कर रखा है और आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप डिप्लोमा को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपने 10th कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, BBTech कर रखा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा BBTech का, यहाँ पे देख सकते हैं, तो BBTech डाल सकते हैं। या फिर आपने 10th 12th कर रखा है, BBTech कर रखा है, तो जो आपने कर रखा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर वाला ऑप्शन है उसके अंदर IT वाले भरेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे नीचे अदर का ऑप्शन दे रखा है तो उसके अंदर IT वाले ही डालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। एक्सपीरियंस के अंदर आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पास आपके पास एक ऑप्शन आएगा चूज फाइल का, तो आपको इस पे सेलेक्ट करना है और आपके फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। देन फिर आपका जो भी CV है, रिज्यूम है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेंड वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली सेंड कर देना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।